कौम सारी जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान के साथ है। अभी मैं सीधा गुजरांवाला के जलसे के लिए जा रहा हूँ और फिर 20 को मुल्तान का जलसा है, मुल्तान में वो कॉल देगा। और सारी अपोजिशन जो है, सारी की सारी अपोजिशन एक वोट पे जिंदा है, और उस वोट में एमकेएम क्या फैसला करता है, बाप क्या करती है, दूसरी पार्टी की करती है। मैं पहले कह चुका हूँ कि 31 मई से पहले पहले फैसले आएंगे। शेख साहब, एक तरफ आप और पीटीआई बड़े बड़े जलसे कर रही है, मुतरिक कर रही, मोबिलाइज कर रही है, इस्लामाबाद आने के लिए कॉल दे रही है, लोग तैयार भी हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में मुनरिफ़ अकीम का फैसला आया, उसके बाद रद्द अमल के तौर पर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने तमाम पार्टियों का एक अलाइंस इजलास बुलाया और फिर एक मुश्तरका बयानिया भी जारी किया गया कि वो मुद्दत पूरी करेंगे, इक्तसादी सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे, डट गए हैं। बड़ा जितनी देर करेंगे उतनी सियासी कब्र खोदेंगे। और आसफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। ना कोई असम्बली की हैसियत है, ना असम्बली की कोई एहतराम है, ना पंजाब असम्बली के मामलात हैं, और ये सारे इकट्ठे मीडिया की हद तक हैं। वजारतें बांटने में आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कम्युनिकेशन ली, हालांकि उन्होंने कभी मस्जिद का गुसलखाना भी नहीं बनाया। वजारतें बांटने में देखो, हर एक ने अपना इंटरेस्ट वॉच किया। और मैं पहले कह चुका था कि अशरफ को तो मिलेगी, राजा अशरफ को स्पीकरशिप। सो ये बीच चौराहे की हंडिया फूटेगी, फैसले होंगे 31 मई से पहले। बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की डेट आ जाए। और सबसे बड़ी खबर गुजरांवाला जाने से पहले देना चाहता हूँ, निगरान वजीर आजम के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। बड़ी बात कही तला शेख रशीद साहब ने, निगरान सेटअप की तैयारी की जा रही है, केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है, नामों पे गौर किया जा रहा है, मुशावरत जारी है। वापस चलते हैं शेख रशीद साहब की तरफ। किया गया वो भी हमारे हक में चला गया, जो कल हुआ है उसको तो इमरान खान ने भी अप्रिशिएट किया है। सो ऑफकोर अदालतों का एक रोल है, फौज का एहतराम है, हमें अदालतों के रोल का और फौज के एहतराम का खास ख्याल रखना। एक सवाल, क्यों आप कहते हैं कि सारे इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जरदारी नहीं है, क्यों, इसकी वजह क्या है? ये उसको पता है कि उसकी मुफ्त में मिनिस्ट्रियां मिल गई हैं, मरकज में पंजाब में उसका हाथ पड़ा हुआ है, सिंध में उसकी हुकूमत बनी हुई है, और उसको पता है कि ये इमरान खान ने फैसला किया है कि इस दफा सिंध इलेक्शन कम्पेन वो खुद चलाएगा और खुद टिकटों के फैसले करेगा। सब एक तरफ अदालते उज़्मा और अदालते आलिया बड़े बड़े फैसले दे रही है, और दूसरी जाने पंजाब, छोटा सवाल, पंजाब में सरकारी आला अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। मैं खुदा को बावजू गवाह बना के कहता हूँ कि FIA को कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी फरियाल, इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर FIA में अदालतों में जाके कहेंगे कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते। यही ANF में तैयारी हो रही है कि ये हम केस नहीं लड़ना चाहते। ये NAP में तैयारी हो रही है, ये हम केस नहीं लड़ना चाहते। लेकिन कान खोल के सुन रो, अदारे सोए हुए नहीं हैं, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। आप ना NAP का कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना FIA का, ना ANF का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।